हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा गणित डे 13 आज हम करेंगे बेटा। देखिए, समझें और हल करें। यहाँ पे देखिए, दो का पेयर बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है ना, फिर एक ग्रुप और है, फिर एक ग्रुप और है, यानी कि तीन ग्रुप हैं। और कितने कितने चीज़ों के? दो स्टार्स के, है ना। तो मैं या तो इनको काउंट करूँगी 1 2 3 4 5 6, या हम कैसे कर सकते हैं, 3 × 2, तीन ग्रुप हैं दो दो चीज़ों के, तो 3 × 2 = 6। ऐसे यहाँ पर देखिए, ये चार चार ऐसे फ्लावर सा बना हुआ है ना, और इसमें कितने हैं, 4। तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, 4 × 4 = 16। ऐसे यहाँ पे देखिए, 5 स्टार्स का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, लेकिन दो पेयर हैं, है ना। तो 2 × 5 = 10, 5 × 2 लिखूँगी तो भी 10, 2 × 5 लिखेंगे तो भी 10, है ना। ऐसे अब यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 के चार ग्रुप बने हुए हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 7 × 4। सारा एक गिनने के बजाय हम क्या कर देते हैं, ऐसे में गुणा कर देते हैं। जब कई बार जमा करना होता है हमें चीज़ को, तो हम उतनी ही संख्या से गुणा कर देते हैं, यानी कि 7 × 4 = 28। ऐसे यहाँ पे देखिए, 5 5 के पेयर बने हुए हैं और 4 बारी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 × 4 = 20, या हम 4 × 5 भी लिख सकते थे। अब यहाँ देखिए, 4 4 के तीन ग्रुप बने हुए हैं, तो 4 × 3 = 12, यानी कि टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, ये त्रिभुज हैं, 12। अब ये इसी तरीके से आप अपने आप कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक पेंसिल की कीमत 7 रुपये है, तो ऐसी 4 पेंसिल की कीमत क्या होगी? तो ज़्यादा की बताने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 1 पेंसिल की कीमत = 7 रुपये, तो 4 पेंसिल के 4 × 7 = 28 रुपीज़। और ये आपको पता है कि रुपीज़ का साइन होता है ना। एक टोकरी में 9 आम हैं, लिख लेंगे इसे, तो 5 टोकरियों में कितने होंगे? फिर से हम गुणा करेंगे, 9 × 5 = इसका मतलब सारे मिला के 45 आम हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन बेटा, आप अपने आप पूरा कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।